मंगलौर के नारसन विकासखंड कार्यालय में बीडीसी की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान समेत क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों संबंधी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से भी अवगत करवाया। बैठक के दौरान पीने के पानी की टंकी के निर्माण को लेकर जल जीवन मिशन की सबसे अधिक समस्या सामने आई है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, आज नारसन ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत की जो बैठक थी, प्रमुख जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है आज। इसमें अलग अलग विषयों पे अपने यहाँ के प्रधान जी लोग, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विषय उठाए हैं और जो यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके विषयों का जवाब भी दिया है। एक विषय यहाँ जल जीवन मिशन की योजना को लेकर आया था, उसमें काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी कि एक तो समय जो कार्य है उसकी गति कम है और दूसरा ये है कि जो उसकी क्वालिटी है उसको लेकर के भी बात आई थी। तो आज इस बैठक में किसी कारणों से उनके सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनके सहायक अभियंता थे, तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि एक्सियन जो है ये वो एक सप्ताह बीडी की त्रैमासिक जो नॉर्मल मीटिंग है वो मीटिंग थी, उसमें जितने भी प्रस्ताव हैं वो प्रस्ताव लिए गए लोगों से और जो काम चल रहे हैं उनके बारे में लोगों को बताया गया और अपने जनप्रतिनिधि जितने भी थे उनकी जो समस्या थी, जो हम कर सकते हैं उसे मौके पर पेश किया गया और उसे प्रस्ताव में लाया गया। जो समस्याएं थी वो जल निगम को लेकर ज़्यादा थी। जल निगम की समस्या सभी पूरे ज़िले में है और मेरे हिसाब से मार्च तक ये योजना पूरे होने के कगार पर है, तो सभी का समाधान, मैं उम्मीद करता हूँ मार्च तक सभी का समाधान हो जाए।